अंबाला के नारायणगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का भी कोई खौफ नहीं है। नारायणगढ़ में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से सुभाष चौक के पास एक 11वीं कक्षा के छात्र पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। छात्र को बुरी तरह घायल करके हमलावर फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्यवाही में जुट गई। वहीं घायल छात्र को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल शिव कुमार की नाजुक हालत को देखते हुए उसको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। घायल के दोस्त ने पुलिस को बताया कि दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और शिव कुमार पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके साथ बाहर भी कई लड़के थे जो बाद में भाग गए। वहीं थाना प्रभारी गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए चार नामजद सहित सात आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 149, 323, 341, 307, 506 आईपीसी के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस ने दो घंटे के अंदर आरोपी सुनील राणा उर्फ मीत निवासी रठाली, हिमांशु मनप्रीत सिंह उर्फ काला निवासी बनोदी, भानु राणा निवासी बड़ा गांव को गिरफ्तार किया है। उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर उनसे बाइक और तेज धार हथियार बरामद करने हैं। वहीं जांच के दौरान पता चला कि सुनील राणा व घायल शिव कुमार से 11 अप्रैल को किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर सुनील राणा ने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। यह हमला रंजिश के चलते किया गया है। वो दो उतरे बाइक में, दो आए और एक चला रहा था, वो भाग गया था, जो चला रहा था। एक बाइक पे थे दो लड़के? हाँ जी, तीन लड़के थे एक बाइक पे। हाँ जी, एक बाइक पे तीन जो काफी लड़के थे वो स्कूल के बाहर थे, वहाँ से भाग रहे थे। देखिए, कल 1 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि सुभाष चौक नारायणगढ़ में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पे गई, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और हमने तुरंत मुलजिमों का, जो आरोपी थे, उनका सुराग चलाया। सुराग चलाने के उपरांत उच्च अधिकारीगण ने टीमें गठित की हैं और उसमें हमने 2 घंटे के अंदर अंदर ही मुलजिमों को अरेस्ट किया है। इसमें 4 मुलजिम अरेस्ट किए हैं हमने। एक तो सुनील है रठाली का, एक हिमांशु है, एक मनप्रीत है, एक भानु प्रताप है। तो देखिए, एक ये जो सुनील कुमार है रठाली का और जिसको चोटें मारी गई हैं शिव कुमार, इनकी 11 तारीख को रसूलपुर में आपस में कुछ कहा सुनी हुई। सुनील कुमार ने उसी चीज़ की ये जो अपना मन में रंजिश पैदा करते हुए अपने कुछ साथियों को बताया और एक योजनाबद्ध तरीके से उस लड़के को यहाँ पर घेर करके उस पर कातिलनामा हमला किया है और हमने उनको अरेस्ट कर दिया। तो मामला हत्या का प्रयास कर दर्ज किया है। 307 भिन्न भिन्न धाराओं के तहत हमने मामला दर्ज किया। तो आज अदालत में पेश किया जा रहा है और हम उनसे पुलिस रिमांड लेकर के उनसे जो हथियार प्रयोग किए हैं, मोटरसाइकिल प्रयोग की हैं, उनको हम बरामद करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।